लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के ओपीडी में कान नाक गले की ओपीडी के अलहदा ब्लाक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरों के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मुबशिर अली कोलाची, डायरेक्टर एडमिट अब्दुल सत्तार जतोई, डायरेक्टर आईसीयू डॉक्टर काशिफ एमन, एएमएस जनरल डॉक्टर शाहिद इस्लाम जुनेजो, एएमएस ओपीडी डॉक्टर मुजीबुर रहमान कलोड, आरएमओ जनरल डॉक्टर फैसल मेमन, आरएमओ ओपीडी डॉक्टर अरसलान जोकियो, डॉक्टर अब्दुल हफीज थेबो, अब्दुल हफीज शर समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरों के डायरेक्टर एडमिट अब्दुल जतोई ने कहा कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा खुशान रहती है कि मरीजों की आसाइश और आसानी के लिए हमेशा कोई न कोई काम किया जाए। इसी के पेश नज़र वहाँ पर डॉक्टर्स और मरीजों के लिए दोनों ओपीडीज को रिनोवेट करवाया गया है और एक ओपीडी हमारी हॉस्पिटल के फंड से रिनोवेट हुई है। आज दोनों ओपीडीज का इनॉग्रेशन हुआ और वहाँ पर मरीजों के बैठने के लिए और वेटिंग के लिए वहाँ पर जगह बनाई गई है और वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग जो कि तकरीबन 50 साल से पुरानी थी, मखदूश हालत में थी, उसकी तज़ईन और आराइश की गई है और ये मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा सुकून और आसानी वाली एक जगह बन जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर मरीजों को उसी जज्बे के साथ अपनी खिदमत के फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरों के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मुबशिर अली कोलाची ने कहा कि हमारा ये मिशन है, हमारा ये मकसद है, मरीज़ों को जो हमारे वार्ड्स में एडमिट रहते हैं उनको बेहतर तिबी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। ओपीडी में जो भी मरीज़ डेली बुनियादों पे आ रहे हैं और हमारे पास ओपीडी की तादाद 9 से 11 हज़ार पर डे है, तो उसमें एक सेगमेंट्स को रेनोवेट करके उसका इफ्तिताह किया है। हम कोशिश कर रहे हैं सर्विसेज को और मज़ीद बेहतर बनाएँ। इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी ओपीडी की बाकी रिमेनिंग सेगमेंट्स हैं उनको भी मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के एएमएस ओपीडी डॉक्टर मुजीबुर रहमान कलोड़ का कहना था कि आज हमारी एक ओपीडी थी ईएनटी ओपीडी, उसकी रिनोवेशन और उसकी तज़ईन आराइश का काम हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मोहतरम डॉक्टर मुबशिर कोलाची साहब की गाइडलाइन और हिदायत के मुताबिक उसकी रिनोवेशन की गई थी और आज इफ्तिताह था। मैं बहुत ही मशकूर हूँ हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब का और हमारे डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई साहब का। डॉक्टर मुबशिर कोलाची साहब जब से एमएस की चार्ज संभाली उन्होंने मुझे खुसूसी हिदायत दी थी कि ओपीडी, क्योंकि ओपीडी जो है वो हॉस्पिटल का फेस है, तो ओपीडी में बेहतरी लाई जाए और जहां जहां पे भी ऐसी कोई ज़रूरत है ओपीडी को रिनोवेट करने की या उसको कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की तो वो प्रायोरिटी पे वो इस चीज़ को देख रहे हैं। और ये वीएन हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब और हमारे डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई साहब का वीएन है कि हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव की जाएं ताकि जो लोग हमारे पास पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनको फैसिलिटेट कर सकें।